बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जो मीठा बनाने लगे हैं वो है बनोफी पाई। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है व्हिपिंग क्रीम, मैंने 2 कप्स लिया है वो, और 1 कप जो है मैंने चीनी ली है। डाइजेस्टिव बिस्किट हैं ये, और ये जो है तकरीबन 400 ग्राम है जो मैंने लिया है। इनको हम निकाल के हम चूरा कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने ले आना है इन बिस्किट्स को। साथ में कंडेंस मिल्क है, ये तकरीबन 397 ग्राम है, एक डब्बा हम ये ले लेंगे। मक्खन है 200 ग्राम है, ये हम लेंगे। और 3 केले हैं, ये हम लेके छोटे छोटे स्लाइसेस में इनको काट लेंगे। और कॉफ़ी ऑप्शनल है, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो आप ले लें, क्रीम के अंदर मिक्स कर लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। अब हम क्रीम के अंदर चीनी डालेंगे और इसको खूब बीट करेंगे। बीटर से करना है तो आप बीटर से कर लें, और अगर आप हाथ से करना चाह रहे हैं तो आप हाथ से कर लें, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो तकरीबन हमने जब इसको बीट करना है तो इसका साइज़ जो इतना है, इसको हम तकरीबन डबल अमाउंट में हो जाए इतना। ये कंडेंस मिल्क को हमने जो पानी में डाल के रख देना है इस तरह से पकाने के लिए, ताकि ये अपनी वाइट, एक तरह से अभी तो ये होता है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से पानी में 3 घंटे तक हम पकाएंगे इसको मीडियम आंच पे, और तो ये फिर क्या होगा, इसको एक कैरेमल फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे कैरेमल सॉस बनाना है। तो इसलिए हम कंडेंस मिल्क को 3 घंटे के लिए पानी में इसी तरह पकाने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन ये हर तरफ से भीगा हुआ होना चाहिए, पानी फुल होना चाहिए। अगर पानी कम हो तो आप इसके अंदर और डालते जाएँ पानी, और इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने इसको चूल्हे पर इसी तरह पकाते रहना है। तो अब हम इसको पका लेते हैं 3 घंटे के लिए। पानी कम हो तो आप इसके अंदर और डालते जाएं, लेकिन इसके अंदर पूरा फुल ये भीगा हुआ होना चाहिए, पानी के अंदर डिप होना चाहिए ये। तो 3 घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे। चीनी डाल देंगे इसमें। अब हम बटर को जिस तरह से हमने चूरा बनाते जाएंगे उसमें हम मक्खन मिक्स करते जाएंगे। चूरा ये बिस्किट का कर लिया है और उसके अंदर मक्खन भी सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको अच्छे से दबा दबा के इसको ऐसे प्रेस कर करके पूरा बाउल में अपने रखेंगे। अब इसके ऊपर केले रखेंगे। केले इस तरह हमने लगा दिए, मेरे पास थोड़े पाइनएप्पल भी थे तो मैं वो भी थोड़े लगा रही हूँ। अब ये जो हमने कैरेमल सॉस बनाई थी, ये देखें इसका कलर वाइट से, जैसे कंडेंस मिल्क का वाइट होता है, तो ये कैसे पकने के बाद 3 घंटे बाद कैसे ये ब्राउन शेप में हो गया है। अब हम इसका इसके ऊपर पूरा स्प्रेड करेंगे। थोड़ा ये स्टिकी होता है तो ज़रा थोड़ा आराम आराम से इसको फैलाएं। ये अब स्प्रेड कर दिया है हमने इसके ऊपर सारा कैरेमल सॉस। अब हम इसके ऊपर से क्रीम जो हमने ये बीट की थी, देखें कितनी डबल हो गई है, इसको हमने अब इसके ऊपर डालते जाना है। मैंने इसको चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर लिया और ऊपर चॉकलेट चिप डाल दी है। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह कैरेमल सॉस है तो आप वो डाल लें, चॉकलेट सॉस कोई भी आपके पास है वो डाल लें, किसी भी तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बस सिंपल इसको चॉकलेट डाल के, सिरप डाल के ऊपर और चॉकलेट चिप डाल के इसको मैंने इस तरह डेकोरेट कर लिया है। और ये आप लाजमी बनाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा, बच्चे बहुत शौक से ये खाएंगे इंशाल्लाह, और मुझे लाजमी कमेंट करके बताएगा, और मेरी इस रेसिपी को आप लाइक शेयर और लाजमी करें।